la 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 la. उड़ान के अंतर्गत हम शिक्षकों को ट्रेन करते हैं, हम अपना खुद सिलेबस बनाते हैं जिससे उनका जनरल नॉलेज और अंग्रेज़ी दोनों का उस पर उनको हम पढ़ा सकें ठीक से. प्रायः देखा जाता है कि यहाँ के बच्चे जो मध्य प्रदेश में पढ़ रहे हैं उनका जनरल नॉलेज लेवल कम होता है और अंग्रेज़ी में बातचीत करने में आत्मविश्वास थोड़ा कम रहता है. तो इन दोनों चीज़ों से और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से ये डेवलप किए गए हैं मॉड्यूल. इससे बच्चे इंटरैक्टिव तरीके से अंग्रेज़ी सीखते हैं और पूरी दुनिया के जैसे घूम लेते हैं. और इसके बाद में जो फीडबैक हमें टीचर से मिला है, स्कूल से मिला है, वो ये है कि बच्चों की वोकैबुलरी बढ़ गई है, उनका पावर ऑफ एक्सप्रेशन बढ़ गया है, उनका आत्मविश्वास बढ़ गया है, वो अंग्रेज़ी ज़्यादा समझने लग गए हैं, बातचीत कर सकते हैं. तो यही इसी उद्देश्य से ये कार्यक्रम हमने शुरू किया था. पहले सर अंग्रेज़ी समझ में नहीं आती थी, फिर उड़ान क्लास में गए तो अंग्रेज़ी थोड़ा समझ में आने लगी. और उसमें सर अच्छे से समझाते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं. और मध्य प्रदेश वित्त निगम ने हमारे लिए अच्छी सुविधा करी. माय नेम इज महेश देवरिया, आई स्टडी इन क्लास 7 बेसिकली आई बिलोंग फ्रॉम शोपुर. माय फादर्स नेम इज मिस्टर कनीराम देवरिया, ही इज ए फार्मर. माय मदर्स नेम इज द्रौपदी देवरिया, सी इज ए हाउसवाइफ. और माय स्कूल नेम एकलव्य. और इन माय लाइफ आई वांट टू बिकम ए सक्सेसफुल कलेक्टर. पहले हम हिंदी बोलते थे लेकिन अब थोड़ी थोड़ी इंग्लिश भी आने लगी हमें. और पहले इंग्लिश बोलने में दिक्कत भी होती थी और इतने अच्छे से उच्चारण नहीं कर पाते थे जितना अब कर लेते हैं. माय नेम इज ज्योति, आई स्टडी इन क्लास 7. शुरू में तो उड़ान स्टार्ट हुई थी हमारी तो हमको कुछ भी नहीं आता था उसमें, बिल्कुल हम जस्ट बस किताब पढ़ना हिंदी में जानते थे. और जब से हम उड़ान में जाना स्टार्ट हुआ हमारा तो हम अंग्रेज़ी की किताब भी पढ़ लेते हैं और थोड़ा अंग्रेज़ी भाषा को भी समझ सकते हैं और थोड़ा थोड़ा तो बोल भी सकते हैं. और हमको दूसरे जहाँ तक हम घूमे भी नहीं इतने देशों के राज्यों के बारे में भी पता चलता है और ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल इनके बारे में पता चलता है हमको. माय नेम इज रेणु गोवरिया, आई स्टडी क्लास 7. बच्चे लोग नई चीज़ों को सीखने का उनको मौका मिल रहा है. जैसे मैं एक ट्राइबल स्कूल में पढ़ाता हूँ और वो बच्चे एकदम पिछड़े जगह से आते हैं तो उन लोगों को नई चीज़ें हम लोग प्रोजेक्टर पे दिखाते हैं, पूरे स्टेट्स और कंट्रीज़ के बारे में उनको बताते हैं, स्पोर्ट्स फेमस पर्सनालिटी स्पोर्ट्स पीपल उनके बारे में बताते हैं. तो उनको नई नई चीज़ें जानने का बहुत अच्छा मौका मिल रहा है और बहुत उत्साहित हैं हर समय जानने के लिए.